नालंदा में जयमाला के दौरान दूल्हे के भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बेन थाना क्षेत्र के अकेड़ गांव में सोमवार की रात शादी समारोह में जयमाला के दौरान हंगामा हो गया। सराती पक्ष के लोगों ने दूल्हे के ममेरे भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक इस्लामपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव निवासी शिव कुमार है। इस घटना के बाद दूल्हे ने शादी कैंसिल कर दी। वहीं मृतक के परिवार ने बताया कि परबलपुर थाना क्षेत्र के बाना बिगहा गांव निवासी जगदीश प्रसाद के बेटे भूषण के बारात अकेड़ गांव गई थी। उसकी शादी किशोर प्रसाद की बेटी करीना के साथ हो रही थी। बारात में दूल्हे का ममेरा भाई शिव भी गया। जलमासा से बारात नाचते गाते दुल्हन के दरवाजे पर गई। इस बीच जयमाला के दौरान फेन स्प्रे करने पर विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद मारपीट में तब्दील हो गई। इसके बाद वधू पक्ष के लोग मोटी बल्ली से बारातियों की पिटाई करने लगे। उसी दौरान शिव के सर पर चोट लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दूल्हा और परिजन उसे इलाज के लिए निजी क्लिनिक लाए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्प्रे डाले, उसके बाद क्या हुआ कि लड़के लड़की सराती वाले ठेल दिए हैं, जो स्प्रे मारे उसको ठेल दिए, नीचे हो गए। फिर वो उठे, उन पे मारपीट चालू कर दिए। तो क्या हुआ उसके बाद? क्या हत्या हुआ है उसके बाद? क्या हुआ कि ये बांस, ये जो होता है ना बल्ली, उससे मार कर सर में डायरेक्ट मारे। लेकिन कहाँ बारात गया था वो? बारात कहाँ से आया था वो? बाना भी। किनका बाराती गया था ये? अपने फुफेरे भाई का बारात। फुफेरे भाई का। शादी हो गया कि नहीं हुआ अभी? शादी नहीं हुआ। शादी कैंसिल हो गया जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजीव कुमार। किनके से शादी था? इनका फुफेरा भाई का। क्या नाम था उनका? उनका था भूषण। और लड़की का नाम था? करीना। आपका क्या नाम हुआ? राजीव कुमार। कौन लगते हैं? हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नालंदा से महमूद की रिपोर्ट।